हमारी ऐसी वाली फ्रेंडशिप हो गई है। ये रोने क्यों लग गई? अब वक्त तो चला है कि सूरत को हम अलविदा बोले। इसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ चहल पहल, और रात 9 बजे से लॉकडाउन हो सकता है। आगे सूरज भी बैठे हैं, यहाँ पर प्रिया दिख नहीं रही होंगी। ये प्रिया बैठी हुई है मास्क लगा करके, पूरा कोरोना इनको पकड़ रहा है दोनों तरफ से। पीछे ये जो आप बैग देख रहे हैं, इसमें हमने खूब सारी भर के शॉपिंग की है, और हम लोग निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। देखते जाइए ज़रा आप भी। यहीं पे है वो सबूरी फैशन आप देख रहे हैं। ज़िंदगी का सबसे अजूबा दिन था ये, जो भी दिन था, क्योंकि इस दिन से ज़्यादा शायद हम लोग कभी ज़िंदगी में कभी थके नहीं थे। बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़, और ये भीड़ भड़ाके वाले सड़कों पे मनीषा का आना जाना बहुत उसको अच्छा लगता है। आगे आप लोग देखिए। तो गाइस, काफ़ी थकान के बाद आज फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आज के ब्लॉग में हमारे सूरज भाई हमारे साथ हैं, मुंबई से चल गए हैं मिलने, और वहाँ प्रिया मुँह कर रही है, कह रही है कि सचिन भाई का ब्लॉग में नहीं आना, मुँह धर रखो अपना। इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे टिकटॉक में देखे होंगे उनको भी। और ये है मनीषा, ये पता नहीं अभी क्या कर रही है। इनका मुंह देखिएगा, सुबह सुबह का मुंह और शाम का मुंह में अंतर हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, किसी का तो अंतर होएगा लग रहा है, थोड़ा धूप में घूमा है। देखिए, सपोर्टर दो लोग सामने खड़े हैं। हाँ, किसी का भी होता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ सूरत में खाना खाने। पहली बात की यहाँ तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, और नॉन वेज रेस्टोरेंट मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, शेर पंजाब एकदम स्टेशन के पास। ये पूछ रही है नमक के डब्बे को, बताइए ये क्या है। बोल, पता है नमक क्या है? हाँ, टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। एक में नमक होगा, एक में मसाला होगा। खैर गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, कुछ खाना पीना खाते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं अभी आपको हम दिखाते हैं, क्या खाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी इस ब्लॉग में। दिखेगा आपको भी। तो गाइस, यहाँ पे भोजनम अहम भोजनम खदाती वाला प्रतिक्रिया शुरू हो चुका है। तो ये हमारे कैमरा मैन आज फोटोग्राफी कर रहे हैं, सूरज भाई खाना आ चुका है। देखिए मनीषा को। तो गाइज, आपको चेहरा पहचानने की जरूरत है। आज यहाँ पे मनीषा के साथ कौन कौन है, क्या कर रही? अपना इंट्रोड्यूस दो। माय नेम इज प्रिया, थोड़ा डिफरेंट नाम है, अंग्रेजी नाम। का करती है? का करती है? मेरे नाम का मतलब बहुत अच्छा है, अ गॉड गिफ्टेड। पूछ रहा हूँ मैं, का करती है? कुछ नहीं। ये नाम इनका का कर, और ये मनीषा, और ये प्रिया, सूरज की प्रिया। हाँ, सूरज की प्रिया। और सूरज यहाँ पे है। हाय गाइस। और यहाँ पर उनका नाम क्या है, वीर, उनका नाम, मेरा नाम आधा चुराली है राज, और लास्ट में एश राजेश। तो राजेश की तिया और की प्रिया, प्रिया की सूरज, सॉरी सूरज की प्रिया, और सचिन की आए आए ये मुस्कुराहट। और गाइस, अभी हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन पे हैं, जाने की तैयारी हो रही है वापस, और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है। रात के बज रहे हैं 12 ऑलमोस्ट, और फिर हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। सही है गाइस, ये सूरत स्टेशन के सामने इनका टिकटॉक वो इंस्टा का रील शुरू हो चुका है। अब आप भी देख सकते हैं ऑडियंस कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा था थिएटर में सारे ये ऑडियंस बैठे हैं सीट लगा लगा के, और यहाँ पे सारी सेलिब्रिटीज का फैशन परेड चल रहा है। गाइस, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम बड़ा यूनिक है, मैं वायरल कर दूंगा नाम। ये इसका नाम है तिया, जैसे गांव में बोलते हैं ना, क्या करो तिया, इसके पिया। और ये हमारी गाइस चैनल का नाम याद आ गया, टिया के पिया। एक नंबर है ना, मचाएंगे। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रहे हैं। अरे ऐसी बात, अरे मास्क 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 वाला मास्क ले लो, दिक्कत हमारी ऐसी वाली फ्रेंडशिप हो गई है। तो गाइस फाइनली दोस्ती अब खत्म। अब राजेश भाई भी जा रहे हैं यहाँ से, सूरज भी, और ये गांधी जी के तीन है। लम्बी मैं ही हूँ। हम लोग भी तीन ही है, हम लोग भी तीन है, हम लोग तीन बंदर है, तो तीन बंदर ही है। अभी सही बोला, अभी सही बोला ना, तीन बंदर है तो तीन बंदरिया, ये लाल बंदरिया, ये एक पीच बंदरिया, और ये येलो बंदरिया। नाम भी बता दिया। अरे भाई, लाल पीच येलो,
तीन कलर देख रहे हो, मैचिंग मैचिंग येलो येलो यहाँ कॉम्बिनेशन है हमारा, ठीक है भैया अपना कॉम्बिनेशन देख लो तुम लोग। और फिर वक्त हुआ हमें जाने का और तिया जोर से रोने लगी। ये रोने क्यों लग गई, मुंह दिखा, सही में रो रही है, फेक झूठी क्यों रो रही है। गाइस देखिए, दो घंटे की हमारी दोस्ती इतनी खतरनाक है कि बंदों को रुला सकता है ना। थोड़ा सही में रो, थोड़ा देखिए अब सही में रोएगी, सच में रोएगी, आंसू निकल नहीं रहा, निकाल पहले आंसू निकाल, आंसू निकालो पहले, नहीं रो रही है, चलो चलो ओके गाइस टाइम से गुड बाय बाय बाय। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली बाय बाय कर दिया और ये मेरा ट्रॉली उठ ही नहीं रहा, इतना भारी है। लाए थे खाली, भर के ले जाओगे तो यही होगा ना, लाए थे भर के ले जा रहे, सही बात है। चलो तो गाइस आप देख सकते हैं ट्रेन में मनीषा मेरा पैर कैसे था, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह उठते उठते देखिए मेरे विंडो से ट्रेन में क्या दिखा मुझे, और इस तरफ मनीषा बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है लड़की। बेस्ट पार्ट इसकी हमें आज एसी वाली वो मिल गई थी ट्रेन, तो आराम से कंफर्टेबली बैठ के वापस जा रहे हैं। और काफ़ी लंबी जर्नी है ये, तो 24 आवर्स की जर्नी थी ऑलमोस्ट, तो मैंने बोला कि यार नहीं एसी में मिल जाए तो बेटर है। और वो भी गेस वॉट गाइस, रात के 11 बजे हमें इस ट्रेन की 2 घंटे बाद की टिकट मिली, और वही ट्रेन है सेम, उसमें हमारी टिकट बैठी है उसमें थी, स्लीपर में थी और इसमें एसी में, तो फाइनली थोड़ा सा मन को सुकून मिला। यहाँ पूरी चारों तरफ विंड्स में विंड मिल्स ही हैं गाइस, बहुत अमेजिंग प्लेस, दिखाता हूँ। देखिए ये सारे विंड मिल्स हैं, आपको विंड मिल्स दिख रहे होंगे, ये क्या होते हैं ना विंग्स जब घूमते हैं इसके तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। देखिए आगे भी हैं बहुत सारे, ओहो पहाड़ आगे, ये भी देखिए कितने पास से आप इसको देख सकते हैं। ये मनीषा है, ये विंड मिल्स हैं और हम अपने ट्रेन में भाग रहे हैं अम्बाला की तरह। कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। तो बहुत सारे गाइस दूर दूर आपकी जहाँ तक नजर जाएंगे, पीछे भी आप देखिएगा ध्यान से, वहाँ भी विंड मिल्स भाई साहब। तो गाइस पहाड़ों में चलते चलते अब हम लोग राजस्थान के खूबसूरत से पहाड़ी क्षेत्र में आ चुके हैं, और देख सकते हैं हमारी ट्रेन की खिड़की, स्वागत है हमारी ट्रेन की खिड़की से क्या खूबसूरत नजारे हैं। अगर हमारी ट्रेन रुकती ना फिर मैं जाके फोटो खिंचवाती, मैं कल का एक भी फोटो नहीं खींच पाई, कुछ भी कही पहली बार घूमने गई और फोटो नहीं, सही में कहीं भी नहीं सोचे कि अब खिंचवाएंगे अब खिंचवाएंगे, लेकिन इतना रात हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिला फोटो का बेचारे, फिर वीडियो से काम चला लिए, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो से। सही बात है, आप देख लीजिए आप कहीं प्लेन आ रहा है बिल्कुल, तो कहीं एकदम पहाड़ी एरिया आ जा रहा है। तो गाइस मीनवाइल आप यही वो शख्स है, देखिए ये 2 दिन से एक ड्रेस में घूम रही है, मेरे को भी घुमा रही है। मिस्टर राज मैंने दो ड्रेस लेके आई थी, एक तो ऑनलाइन ऑर्डर की थी मिस्टर राज को मैं दिखाई थी, वो भी बहुत अच्छा ड्रेस है, और ये किट्टो का ड्रेस है, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। हाँ, ये तो, किट्टो रानी ने गिफ्ट किया है। हाँ, अमित जी की किट्टो रानी ने। हाँ, तो मेरे को ना बहुत नहीं, अमित जी भी तो गिफ्ट किए होंगे यार, हम लोग खाली किट्टो किट्टो कर रहे हैं। अमित जी के पैसे से तो किट्टो गिफ्ट किए है, नहीं किट्टो जी का साथ है तभी तो अमित जी के पास पैसे है। अब भाई इतना नहीं आते, हर एक जेंट्स के ना पीछे औरत का हाथ होता है, और हर औरत के पीछे एक जेंट्स का भी हाथ होता है। कौन है, कहां से आती है? जेंट्स का हाथ तब होता है जब औरत साथ देती है। नहीं, जेंट्स का हाथ इसलिए होता है क्योंकि उस औरत का पापा जेंट्स होता है। जेंट्स होता है, अगर वो पापा जेंट्स मतलब पापा नहीं होता तो फिर वो औरत कहाँ से आती। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा राजस्थान में, और यहाँ जो फूड ट्रैक है ना वो देखिए, वो फूड ट्रैक क्या है, IRCTC तो यहाँ पर जूस कॉर्नर है, और मुझे जूस बड़ा मन कर रहा था,
और मैं मिस्टर राज से पूछी तो ये बोले कि ट्रेन नहीं रुकेगी, फिर मैं गई, मैं बोली आ रही हूँ मैं लेके आऊँ, और एक अंकल को बोली कि अंकल प्लीज मेरे लिए जूस ला दो। हाँ तो गए, बोले कि मैं जा रहा हूँ और अंकल जूस लाए। हाँ मैं इंसान का झूठ बोली कि मैं वहाँ पैसे जमा करके आऊँ, आई हूँ मैं फिर जाऊँगी लेने, तब तक इनको पता चल गया वहाँ क्या दिए। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मथुरा स्टेशन पे हम लोग हैं और बाहर कितनी काली घटाएं छाई हुई है, काफी यहाँ से तो मेरा कैमरा का फ्लैश चल रहा है। और आप देखिए कितनी तेज जोरदार हवाएं भी चल रही हैं, बारिश की बूंदे कुछ कुछ शीशे पे आ गया। और ये जो सामने ट्रेन जा रही है ना मनीषा, इस पे बोल रही है कि इस पे बारात जाता है हमारे हसनपुरा में। देखिए प्लास्टिक उड़ा 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 उड़ा, ओ भाई ओ, देखिए गाइस कितनी जोर बारिश हो रही है, शीशे से कुछ भी नहीं दिख रहा है, दम पटाक पटाक बारिश, दम बारिश की बूंदें आ रही है। नावा बस बताइए इस रास्ते से उस रास्ते जाने वाला दिखेगा अब आप पता है, तो पहले देख ले रही हो इधर, ये क्या दिख गया? अच्छा ये फुट ओवर ब्रिज, तो गाइस आप देख सकते हैं ये कैसे शीशा के बाहर देखती है। रात में आप में से कितने लोग ऐसे देखते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एवरीवन तो रात के लगभग 12:55 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन ऑल द वे फ्रॉम सूरत। काफ़ी लंबा हेक्टिक ट्रैवल हो गया था और हमारी कार यहीं पर ठीक स्टेशन के सामने पार्किंग मैंने की हुई है, अभी ट्रेन रुकी नहीं है, बस थोड़ी रुकेगी वही वहाँ बीटा बूथ है, हाँ 4 नंबर आगे आता है ना वहाँ से उतरना है। तो गाइस मनीषा का शक्ल आप देख सकते हैं कितनी थक गई है, अभी कह रही है कुछ खाएंगे पहले और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग डिनर कुछ किए नहीं है, ढंग का मिला नहीं, तो खाना पीना लेकर के हम लोग फटाफट वापस घर जाएंगे। कार यहीं खड़ी है बाहर, वैसे भी देखिए कैसे निकल रहे हैं। ओके गाइस टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम हियर।